डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विद्यापति पद 2। यह पद है, यह हिंदी साहित्य कक्षा 12 के पाठ 9 से लिया गया है। बच्चों, इस पद के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष की यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इस पद के संदर्भ के बारे में कि इस पद का संदर्भ है वह क्या होने वाला है। उसके बाद में अपन बच्चों चर्चा करेंगे इसके प्रसंग की। तो सबसे पहले संदर्भ के बारे में देखें तो संदर्भ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में पद शीर्षक से संकलित किया गया है। बात करें बच्चों इस पद के प्रसंग की तो इस पद का प्रसंग इस प्रकार रहेगा। सखी जब नायिका से यह पूछने लगी कि प्रेम का अनुभव कैसा होता है, तब नायिका ने कहा कि प्रेम की अनुभूति शब्दों से परे है। अर्थात प्रेम का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रेम में नित्य नवीनता का भाव होता है तथा सदैव अतृप्ति बनी रहती है। कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने, उनकी मधुर बातें सुनने एवं उनके साथ काम क्रीड़ा करने से कभी कभी मुझे तृप्ति नहीं मिलती। प्रेम वही होता है जिसमें निरंतर अतृप्ति हो, प्रिय से मिलने की नवीन आकांक्षा हो। विद्यापति ने इस पद में इसी वृतांत का वर्णन किया है। सखी के इसकी व्याख्या के बारे में अपन देखें तो इसकी व्याख्या इस प्रकार रहेगी। सखी के प्रश्न के उत्तर में नायिका ने कहा कि हे सखी, सखी जब नायिका के अनुभव पूछ रही है तो यहाँ नायिका अपनी सखी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रही है, सखी हे के पूछसी अनुभव मोय। सखी के प्रश्न के उत्तर में नायिका ने कहा कि हे सखी, प्रेम के अनुभव के विषय में तुम जो मुझसे पूछती हो तो मैं क्या कहूँ। सखी के पूछसी अनुभव मोय, कि हे सखी मुझे अनुभव क्या पूछ रही हो, तुम प्रेम के अनुभव के विषय में जो मुझसे पूछना चाहती हो उसके बारे में मैं क्या कहूं। अर्थात कहना यह चाहती है कि प्रेम का यह जो अनुभव है यह शब्दातीत है, यह शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता। कहना यह चाह रही है, भाव यह है कि सखी है के पूछसी मोय, कि मेरे जो अनुभव हैं प्रेम के जो अनुभव हैं वह मुझे तुम क्या पूछना चाहती हो। अर्थात प्रेम के अनुभव के विषय में तुम जो मुझसे पूछना चाहती हो मैं क्या कहूँ। प्रेम का ये अनुभव है, ये शब्दातीत है, शब्दों से परे है। प्रेम के अनुभव का शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे वह नायिका कह रही है अपनी सखी से, सेह प्रीति अनुराग बखानीय तिल तिल नूतन होय। वह कह रही है कि मैं तो उसी प्रेम और अनुराग को बखानने योग्य मानती हूँ जिसमें क्षण क्षण पर नवीनता रहती है। सेह प्रीति अनुराग, सेह अर्थात उसी। वह कह रही है नायिका कि मैं तो उसी प्रेम और अनुराग को बखानने योग्य मानती हूँ, वर्णन करने योग्य मानती हूँ, तिल तिल नूतन होय, जिसमें क्षण क्षण नवीनता रहती है, जिसमें प्रत्येक क्षण नवीनता बनी रहती है, वही बखानने योग्य है। अर्थात प्रेम में नित्य नूतनता का गुण विद्यमान होता है और कभी तृप्ति नहीं मिलती है। भाव यह है कि प्रेम में नित्य नूतनता का भाव रहता है, प्रेम में कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। आगे वह नायिका कह रही है अपनी सखी से, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल। आगे कह रही है कि हे सखी, मेरा पूरा जन्म बीत गया, जन्म अवधि, मेरा पूरा जन्म बीत गया, मेरा पूरा जीवन बीत गया, हम रूप निहारल, मैं प्रियतम श्री कृष्ण के रूप को देखती रही हूं, मैं प्रियतम श्री कृष्ण को निहारती रही हूं, नयन न तिरपित भेल, किंतु मेरे नेत्र आज भी तृप्त नहीं हुए हैं, अतृप्त हैं। वह कह रही है कि नयन न तिरपित भेल, मेरे नेत्रों को आज भी तृप्ति नहीं मिली है। अर्थात मेरे नेत्र आज भी अतृप्त हैं, उन्हें देखने की वही आकांक्षा मेरे नेत्रों में आज भी है जो पहले दिन थी। कहना यह चाह रही है कि श्री कृष्ण के रूप को देखने की जो आकांक्षा मुझे पहले दिन थी, वही रूप आकांक्षा
उनके रूप को देखने की इच्छा आज भी बरकरार है, वही आकांक्षा मेरे मन में बनी हुई है, मेरे नेत्रों को तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है उनके रूप को निहारते निहारते, जबकि पूरा जन्म बीत गया है। आगे वनायिका कह रही है कि सेहो मधुर बोल सर्वनहि सुनल श्रुति पथ परसन गेल। वह कह रही है कि उनके मधुर वचन जीवन पर्यंत सुनती रही। सेहो मधुर वचन, उन्हीं मधुर वचनों को सर्वनी सुनती रही, मैं उनके मधुर वचनों को जीवन भर सुनती रही, लेकिन आज भी सुनत श्रुति पथ परसन गेल, किंतु आज भी उनकी वाणी सुनने की आकांक्षा कानों को इस प्रकार है जैसे वे मधुर वचन कानों ने कभी सुने ही नहीं। वह कह रही है कि सेहो मधुर बोल श्रवणी, कि मैं मेरे पूरे जीवन भर श्री कृष्ण के प्रिय वचनों को सुनती रही हूं, किंतु आज भी ऐसा लगता है कि पतन परस गए, कि मेरे कानों को वह मेरे कान हैं उन मधुर वचनों का अभी तक स्पर्श नहीं किया है। परस का मतलब स्पर्श, कि मेरे कानों ने, मेरे कानों के मार्ग ने उन मधुर वचनों का अभी तक स्पर्श नहीं किया है, ऐसा मुझे अनुभव होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। अर्थात कहना यह चाहती है कि उनके मधुर वचन जीवन पर्यंत सुनती रही, लेकिन आज भी उनकी वाणी सुनने की आकांक्षा कानों को इस प्रकार है जैसे वे मधुर वचन कानों ने पहले कभी सुने ही नहीं हैं, कि ऐसे मधुर वचन कानों ने पहले कभी भी ऐसे मधुर वचनों का स्पर्श नहीं किया है, ऐसा आज भी होता है। अर्थात कहना यह चाहती है कि मेरे कानों को आज भी उनके मधुर वचन सुनने की अतृप्ति है, उनके मधुर वचन सुन सुन करके मेरे कान आज भी तृप्त नहीं हुए हैं। आगे वह नायिका अपनी सखी से कह रही है कि कत्ते मधु जामिनी रभस गमाउली न बूजल कैसे निकेली। वह कह रही है कि मैंने कितनी ही मधुर यामिनियां प्रेतम के साथ काम क्रीड़ा करते व्यतीत कर दी। कत्ते मधु जामिनी, कि मैंने कितनी ही मधुर रात्रियां रभस गमावली प्रीतम के साथ काम क्रीड़ा करते हुए बिता दी हैं, काम क्रीड़ा करते हुए व्यतीत कर दी हैं, न बूझल कैसन केली, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मैं काम क्रीड़ा से तृप्त नहीं हुई हुई हूँ, काम क्रीड़ा से अछूती हूँ। वह कह रही है कि कत्ते मधु जामिनी रभस गमावली, कि मैंने मेरे प्रीतम के साथ कितनी ही रात्रियां काम क्रीड़ा में व्यतीत की हैं, गमावली का मतलब व्यतीत की हैं, बिताई हैं, न बूझल कैसन कैली, किंतु वह कहती है कि फिर भी मैं, आप मुझे पूछना चाहो कि वो क्रीड़ाएँ कैसी रही हैं तो मैं उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकती। अर्थात कहना यह चाहती है कि मैं काम क्रीड़ा से आज भी मेरा मन यही होता है कि मैं अछूती हूँ, अर्थात मेरी जो आकांक्षा है वह अतृप्त है, तृप्त नहीं हुई है। आगे कह रही है वह नायिका, लाख लाख जुग हिये हिये राखल तैयो हिये जर्नी नगेल। वह कहना चाहती है कि लाख लाख युगों से, लाख लाख जुग हिये हिये राखल, कि लाख लाख युगों से प्रियतम कृष्ण को हृदय में बसाए हुए मेरे प्राण अभी तक नहीं जुड़ाए हैं, अर्थात अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं, वे अभी तक अशांत हैं। तय ही ए जर्नी निगेल, अभी तक वो अशांत हैं, अभी तक उन्हें तृप्ति बनी हुई है। कह रही है कि लाख लाख जुग ही राखल, कि मैं लाखों लाखों युगों से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने हृदय में रख रही हूँ, तयोलो फिर भी ही ए जर्नी निगेल, फिर भी मेरा जो हृदय है वह अभी तक तृप्त नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है, मेरे प्राण अभी तक उनसे नहीं जुड़ पाए हैं, अर्थात अभी भी मेरे प्राणों में अतृप्ति बनी हुई है। आगे कह रही है वह नायिका, कत विदग्ध जन रस अनुमोदिये अनुभव काहुन पेक। वह कह रही है कि कितने ही चतुर, कत विदग्ध, विदग्ध का मतलब होता है चतुर, जन रस, वह कह रही है कि सुजान रसिक, जो चतुर लोग हैं, रसिक लोग हैं, वो कह रही है कि कत विदग्ध जन रस अनुमोदिये अनुभव काहुन पे, कि कितने ही जो चतुर सुजान रसिकों ने प्रेम का अनुभव किया है, रस अनुमोदिये प्रेम का अनुभव किया है, अनुभव काहुन पेक, वह कह रही है किंतु कोई भी उस अनुभव को शब्दों में व्यतीत नहीं कर पाया। कह रही है कि अनुभव काहुन पेक, कि कोई भी उस अनुभव को शब्दों में वर्णन नहीं कर पाया, उस अनुभव का, अर्थात कहना यह चाहती है कि कितने ही
जो चतुर रसिकों ने प्रेम का अनुभव किया है, किंतु कोई भी चतुर रसिक उस प्रेम के अनुभव को व्यतीत अशब्दों में व्यतीत नहीं कर पाया है, शब्दों में प्रकट नहीं कर पाया है। वह कहना यह चाहती है कि जो मेरे विचार से जो प्रेम है वह शब्दातीत है, प्रेम का जो अनुभव है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, भाव यह है। आगे कह रही है वह नायिका, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाए ते लाखुन मिलल एक। वह कह रहे कि विद्यापति कवि कहते हैं कि वह नायिका सखी से कहने लगी कि मुझे तो लाखों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि प्रेम से मेरे प्राण जुड़ गए हैं, अर्थात प्रेम से मुझे तृप्ति मिल गई है। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाए लाखों मिलल एक, लाखों में भी मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो मुझे यह कहे कि प्रेम से मेरे प्राणों को तृप्ति मिल गई है, प्रेम के कारण मेरे प्राण हैं वो जुड़ गए हैं। जुड़ने का मतलब होता है तृप्ति मिलना। कह रही है कि तृप्ति मिल गई हो, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला है। तात्पर्य यह है कि अतृप्ति ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है, अतृप्ति ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है, वह ये कहना चाहती है। बात करें विशेष की तो विशेष इस प्रकार से रहेगा, प्रेम का सबसे बड़ा गुण है अतृप्ति। इसी बात को विद्यापति ने इस पद में प्रतिपादित किया है। कवि की भाषा साहित्यिक लाक्षणिकता से युक्त, बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। मैथिली भाषा वियोग श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। जन्म अवधि तिरपित भेल में विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। विद्यापति के काव्य से ही राधा कृष्ण के प्रेम का प्रारंभ हिंदी में माना जाता है। बच्चों अगले पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।